ये लव के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और एक ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस लेकर, जो कि हम लाइक मशीन ऐप में बनाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्टेटस और ट्यूटोरियल। सो जो भी इसमें मटेरियल्स यूज़ होगा, जैसे कि XML प्रीसेट लिंक, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे वहाँ से आपको इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, सो जैसे आप इसे इंपोर्ट करेंगे सो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको सिर्फ फ़ोटोज़ को ऐड करना है। अक्सर यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बहुत सारे गलतियाँ करते, लाइक कहीं भी जहाँ दिल बोला वहाँ पे फ़ोटो को ऐड कर देते। इससे क्या होता है ना, हमारा स्टेटस वीडियो जो है वो बहुत ही मतलब ख़राब हो जाता है, लाइक उसका जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक दो इमोजीज मिलेंगे, सो आपको इमोजी पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे जाकर आपको iOS 16 का जो फॉन्ट लिंक है वो आपको यूज़ करना है। एंड अगर आपको नहीं पता कि फ़ॉन्ट्स कैसे इंपोर्ट करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं आपको फ़ॉन्ट्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आगे आने के बाद एक और एक फॉन्ट आपको यूज़ करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोशन ऐप में होता है, कुछ नाम है हीबो बोल्ट। ठीक है, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लाइट मोशन ऐप में रहेगा, अगर नहीं भी रहा तो भी मैं उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, सो आपको यहाँ से आगे आने के बाद जो है यहाँ पर आपको लाइक जितने भी लिरिक्स मेंशन किए गए हैं, लाइक लिरिक्स जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं, उन सब में आपको यही सेम फॉन्ट यूज़ करना है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपका अच्छे से समझ में आ गया। सो अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे आना है, एंड कहाँ तक आना है, ओके सो यहाँ से आपको आगे आने के बाद जो है आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ से आपको डबल बीट मार्क्स मिलेंगे जो कि आपको जो है डिफरेंट फ़ोटोज़ यूज़ करना है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम यहाँ से कलर एंड फिल में जाएंगे। ठीक है, एंड आपको जो है कुछ टोटल 5 फ़ोटोज़ आपको इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, सो टोटल 5 फ़ोटोज़ आपको यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ़र्स्ट फ़ोटो को मैं ऐड कर लेती हूँ। ओके, सो हमें यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, मीडिया पे जाकर आपको यहाँ पे जिस भी फोल्डर में आपके फ़ोटोज़ हैं वहाँ से आपको एक एक करके फ़ोटो ऐड करते जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है ना आपको टोटल 5 फ़ोटोज़ यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बीट मार्क्स आपको मिल रहे हैं, इट मींस कि आपको यहाँ पे डिफरेंट फ़ोटोज़ यूज़ करना है। सिंगल बीट मार्क अगर होता तो आपको जो है ना सेम फ़ोटो सारे लेयर्स में यूज़ करना होता था, लेकिन यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट फ़ोटोज़ यूज़ करना है। सो टोटल 5 फ़ोटोज़ आपको यूज़ करना है, जो लास्ट वाला लेयर है उसे आपको छोड़ देना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं जल्दी से फ़ोटोज़ को मैं ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको फ़ोटोज़ को ऐड करना है, बस आपको फ़ोटोज़ को ऐड करते जाना है और फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है वीडियो को। सो यहाँ पे जल्दी से 5 फ़ोटोज़ को मैं ऐड कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने 5 फ़ोटोज़ को ऐड कर लिया एंड जो लास्ट वाला लेयर है उसे हमने छोड़ दिया क्योंकि वो ब्लैक इफेक्ट है वो। ओके, तो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, लाइक ये एटीट्यूड स्टेटस वाला वीडियो जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना इस तरह के वीडियोस भी लेकर आऊँ। ओके, सो अब आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लग रही है हमारी वीडियो, जैसे हमने प्रीव्यू में दिखाया था। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना है और इसे आपको सेव करके आपको इसे अपलोड करना। आप जहाँ भी अपलोड करेंगे, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको ढेर सारे लाइक्स फॉलोअर्स मिल जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चलेगा। सो इसे अब हम एक्सपोर्ट करेंगे HD क्वालिटी में। ठीक है, याद रहे आपको वीडियो जो है HD क्वालिटी में ही आपको इंपोर्ट करना होगा, तभी आपकी वीडियो जो है वीडियो की क्वालिटी बहुत ही क्लीन आएगी। अगर आप लो क्वालिटी में अपलोड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है,
सो कैसा लगा आपको आज का हमारा ट्यूटोरियल नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और चलिए मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।